आरजेडी के साथ, ओवैसी जी के साथ सीमांचल अब पाक बनेगा। पाक मतलब पी पूर्णिया, ए अररिया, के कटिहार और के किशनगंज। तो सीमांचल बचेगा कि पाक बनेगा, ये सीमांचल की जनता अपने मताधिकार का प्रयोग करके देश को बताए। अगर राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि देश में हम एक्सरे कर देंगे, संपत्ति का सर्वे करा देंगे, जिसका जितना संख्या उसको उतना अधिकार देंगे, गंभीर होता जा रहा है। क्योंकि अगला चरण, लोकसभा चुनाव का दूसरा चरण सीमांचल क्षेत्र का, और अगर इस तरह का कोई योजना कांग्रेस, इंडी अलायंस और तेजस्वी यादव जी बना रहे हैं, तो उसका सबसे बड़ा झटका सीमांचल में ही सबसे पहले लगेगा। सीमांचल आज बिहार का ऐसा क्षेत्र है जहां बहुसंख्यक समाज अल्पसंख्यक हो चुका है, ये हम सबको पता है। तेजस्वी जी कहते हैं कि मुद्दे की बात की जाए तो सीमांचल का चुनाव सर पे है। सीमांचल के मुद्दे की बात मैं कर रहा हूं, सीमांचल का सबसे बड़ा मुद्दा है वहां का सामाजिक समीकरण। सीमांचल में सबसे बड़ा मुद्दा है वहां का घुसपैठ। सीमांचल का सबसे बड़ा मुद्दा है वहां पे आतंकवादी तत्वों को संरक्षण। सीमांचल का सबसे बड़ा मुद्दा है वसूली, जिसके वजह से, धमकी वसूली के वजह से वहां से कारोबारी भाग रहे हैं। सीमांचल का सबसे बड़ा मुद्दा है हमारी माताओं और बहनों की सुरक्षा। हमारी माँ बहनें उस क्षेत्र में, कई जिलों में, सीमांचल के कई जिलों में अपने आप को बहुत असुरक्षित पाती हैं। सीमांचल का मुद्दा है गौ तस्करी। तो मैं तेजस्वी जी से, जो कि इंडी अलायंस के चेहरा है बिहार में, क्योंकि पहले चरण में कांग्रेसी तो कोई आया ही नहीं बिहार के कैंपेन में, तो तेजस्वी जी ही अगर कैंपेन लीड कर रहे हैं इंडी अलायंस का, तो तेजस्वी जी से मेरे 5 सवाल है सीमांचल के मुद्दे पे और इस पृष्ठभूमि के मुद्दे पे। तेजस्वी जी आप स्पष्ट करिए कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में लिखा है, सच्चर कमिटी रंगनाथ कमीशन की रिपोर्ट का आधार देते मैं पूछता हूं कि क्या आप कांग्रेस को मदद करेंगे ओबीसी के आरक्षण में छेड़छाड़ करके अल्पसंख्यक को आरक्षण देने में, पहला सवाल। दूसरा, क्या आप कांग्रेस के मैनिफेस्टो और उनके सोच से सहमत हैं कि अल्पसंख्यक समाज का कोटा शेड्यूल कास्ट में भी होना चाहिए? सीमांचल की जनता की परेशानी को देखते हुए तेजस्वी जी बताइए। मेरा तीसरा सवाल, एनआरसी लाके इस देश में घुसपैठियों को बाहर करने की जो प्रधानमंत्री जी की योजना है, क्या आप उसका विरोध करेंगे? क्या आपको नहीं लगता है कि सीमांचल में घुसपैठ पर रोकथाम होनी चाहिए? आप बताइए तेजस्वी जी कि इस देश में प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे बार पीएम बनने के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी सर्व नागरिक को समान अधिकार लाने की बात हो रही है, किसी को विशेष अधिकार ना होना चाहिए। हम सब भारत माँ के बेटे हैं, बेटियां हैं, और हम सब के अधिकार समान होने चाहिए क्योंकि हम एक समान नागरिक हैं। इस सोच के साथ यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात भाजपा ने अपने मैनिफेस्टो में स्पष्ट रखी है। सीमांचल की जनता, बिहार की जनता जानना चाहती है कि आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड पे क्या मत है तेजस्वी जी। और सबसे बड़ी बात कि अगर कांग्रेस कह रही है कि देश की संपत्ति पर सबसे पहला अधिकार देश के अल्पसंख्यक समाज का है, अगर राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि देश में हम एक्सरे कर देंगे, संपत्ति का सर्वे करा देंगे, जिसका जितना संख्या उसको उतना अधिकार देंगे, तो क्या तेजस्वी जी आप आज सीमांचल में भ्रमण में है, आप वहां की जनता को मन से बताइए, क्या वहां पे बहुसंख्यक समाज को चिंतित होना चाहिए कि उनका संपत्ति लेकर
अल्पसंख्यक को बांटने में आप कांग्रेस के साथ खड़े होइएगा? इसका जवाब दीजिए तेजस्वी जी। कल वोट बैंक की राजनीति के लिए घुसपैठियों को अन्य देश से बुलाकर वोटर बनाकर ये राजनीति का जो घिनौना मॉडल बंगाल में चल रहा है, क्या तेजस्वी जी आप इसको बिहार में लाना चाहते हैं? सीमांचल की जनता को अंत में मैं बोलना चाहूंगा, तय आपको करना है। जब आप मतदान देने जाएं तो तय सीमांचल की जनता को करना है कि सीमांचल मोदी जी के साथ चलकर एनआरसी लाकर, आतंकवाद पे अंकुश लगाकर, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाकर क्या सीमांचल बचेगा, या इंडी अलायंस कांग्रेस आरजेडी के साथ ओवैसी जी के साथ सीमांचल अब पाक बनेगा। पाक मतलब पी पूर्णिया, ए अररिया, के कटिहार और के किशनगंज। तो सीमांचल बचेगा कि पाक बनेगा, ये सीमांचल की जनता अपने मताधिकार का प्रयोग करके देश को बताए। धन्यवाद। देखिए, मैं साहेब पिटकोला जी को बहुत अच्छे से जानता हूं। राहुल गांधी जी के एजेंडा को इन्फ्लुएंस करने वाले, उनकी सोच को इन्फ्लुएंस करने वाले साहेब पिटकोला जी हमेशा से रहे। इसलिए इस प्रेस वार्ता में मैंने याद दिलाया कि कांग्रेस की सरकार जब यूपीए वन चल रहा था तो उन्होंने सच्चर कमिटी की रिपोर्ट बनवाई जिसने एक फाउंडेशन डाला कि अल्पसंख्यक समाज की हालत दलित से खराब है। फिर रंगनाथ कमीशन की रिपोर्ट आई, रंगनाथ कमिटी की रिपोर्ट, जिसमें रिपोर्ट दिया कि इनको रिजर्वेशन दिया जाए अधिक, और ओबीसी और एससी कैटेगरी के बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने दिया है उसका हनन किया जाए। तो मैं पूरी तरह से इसको मानता हूं कि ये सारी सोच उनकी एक ही है कि वोट बैंक का तुष्टीकरण करने के लिए, अपने अल्पसंख्यक समाज का वोट बचाने के लिए वो देश में कुछ भी करवा सकते हैं। मैं तेजस्वी जी से पूरी तरह सहमत हूँ कि मुद्दे की बात होनी चाहिए। मैं मुद्दे की बात कर रहा हूँ तेजस्वी जी, मछली हेलीकॉप्टर में खाना और संतरा खाना बंद करें और सीमांचल की जनता को जाके बताएं कि एनआरसी लागू होगा तो तेजस्वी जी कहां खड़े होंगे, यूसीसी आएगा तो तेजस्वी जी का क्या स्टैंड रहेगा, आतंकवादी तत्वों को उखाड़ कर फेंका जाएगा सीमांचल से तो उनका बचाव तेजस्वी जी तो नहीं करेंगे? तो ये मुद्दे हैं, इन मुद्दों पे तेजस्वी जी बात करें। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।